लाइन आ गई चलाएं कर पागल है पूरे लोल है। और दोनों घर नहीं गया, दोनों डायरेक्ट मेरे घर पे आ गया इससे मिलने, बताइए इतना चलता है इसका। दूर जो पेड़ के जंगल जैसा दिख रहा है ना दम, उसके लास्ट में एकदम नीचे हमारा घर है। उसको पकड़ के गिरता है पागल है बोला ही कैसे। ये अपना छुन्नू छिल लिया नाखून से गाइस, पता नहीं कितना ज्यादा छिला। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, गोड़ लगे, सलाम, स्वागत करता हूँ दोस्तों मेरे कौशन ब्लॉग में। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खैरियत होंगे। फिलहाल तो दोस्तों एकदम सुबह का मौसम है और मैं अहरा की तरफ घूमने आया हूँ, और साथ में दोस्तों मैं अपने शॉर्ट्स को वॉइस ओवरिंग भी करने आया था, और घर से काफी दूर आ गया हूँ अहरा पे चलते चलते, क्योंकि मौसम प्यारा है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बैठ करके और अपने शॉर्ट्स को एडिट कर रहा था, वॉइस कर रहा था, और मेरा काम हो गया दोस्तों, तो मैं वापस घर की तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों मैं इस रास्ते से आगे जाने वाला हूँ, और इसी रास्ते से मैं घर से आया था, और यहाँ पे देखिए मैं यहीं पे ऐसे छांव में बैठ करके और अपना वॉइस ओवरिंग कर रहा था। तो फिलहाल तो दोस्तों मैं निकलता हूँ इधर से ही अपने घर को, और हमारा घर दोस्तों एकदम दूर जो पेड़ के जंगल जैसा दिख रहा है ना दम, उसके लास्ट में एकदम नीचे हमारा घर है। तो ऐसे 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 मैं आया था, और वापस मैं ऐसे ऐसे जाने वाला हूँ गाइस। गाइस मैं तो अभी वापस जा ही रहा हूँ, रास्ते में हूँ, और मैं आपको दोस्तों एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। और थोड़ा सा इमेजिन करिए कि जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, अगर वो हमारे अहरा पे जितना पेड़ लगा हुआ है, वही पेड़ अगर लगा होता हमारे अहरा पे, तो कैसा खूबसूरती होता, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए गाइस, ये देखिए खूबसूरती, अगर ये पेड़, अगर इस अहरा पे सारा पेड़ यही वाला होता तो बताइए नज़ारा कैसा होता। मोबाइल में पता नहीं दोस्तों आप लोग किस तरह से इसको देखेंगे, इसका नज़ारा कैसा होगा, बट जो मैं देख रहा हूँ ना, ये एकदम बेहतरीन लग रहा है गाइस। बस ऐसा होता कि सारा पेड़ यही वाला होता हमारे यहाँ पे, एकदम मज़ा आ जाता देख के गाइस, मज़ा आ जाता। खैर दोस्तों मैं तो चाह रहा हूँ कि ये फूल तोड़ूँ कुछ, लेकिन सोच रहा हूँ कि तोड़ के भी क्या फ़ायदा, तो इसे बढ़िया नहीं तोड़ूँ तो सही है। खैर ये देखिए नज़ारा इधर का एकदम बेहतरीन है गाइस। तो बस ये है नज़ारा, और निकल रहे हैं दोस्तों, घर जा रहे हैं। अभी तक तो दोस्तों मैंने ब्रश भी नहीं किया है, और भूख लग रही है बहुत ज़ोर की, और भूख के कारण पेट सट गया, और पेट सटने के कारण दर्द भी दे रहा है। तो हमारा काम तो हो गया था शॉर्ट्स का, तो मैंने सोचा जल्दी निकलता हूँ और ब्रश वश करके और घर पे जाकर खाऊंगा दोस्तों। बाकी इधर का एरिया गाइस पहले बरसात के मौसम में दिखाता था एकदम झाड़ी 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 पूरा भर चुका होता था, लेकिन अभी देखिए पूरा खाली हो चुका है। फिर जैसे ही बरसात आएगा ये सारे जो झाड़ है ये सारे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और एकदम पूरा जंगल टाइप का हो जाएगा। बस ये रास्ता सिर्फ दिखेगा थोड़ा थोड़ा। अभी दोस्तों मैं आधा रास्ता ही चला हूँ और आधा बाकी है, मतलब इतना दूर निकल गया हूँ ना कि चलते चलते और पेड़ दर्द देने लगा। ये तो रास्ता जो मैं जा रहा हूँ दोस्तों, तो ये रास्ता होते होते इस तरह से वैसे होते 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 वो देखिए आखिरी वहाँ पर जो घर दिख रहा है ना, वहाँ से ढल के मैं घर जाऊँगा। तो इतना अभी और चलना है गाइस। तो गाइस हम आगे अभी अभी घर पे आए हैं, और चलते चलते थक गए दोस्तों, तो सबसे पहले जाते हैं मुंह हाथ पैर धो करके, मुंह धोते हैं मतलब ब्रश भी करते हैं, और खाना वाना खाते हैं। ये देखिए ये रो रहा था, तेल लगा रही का जो तो रो रहा था, जब वीडियो बना रहे हैं तो चुप हो गया, बस यही चाह रहा था ना एक्साइटेड कितना है। तो चलते दोस्तों ब्रश करते हैं और फिर खाना खाते हैं। तो गाइस काजल के गोद से हम बाबू के ले लिए हैं, काजल किचन में गए खाना निकालने, और इधर बबुआ को देखिए हम ले लिए हैं ताकि ये रोए ना लेटे लेटे। तो काजल ला रही दोस्तों खाना, और फिर खाना खाएंगे दोनों। काजल खाना लेकर के आई है, दाल चावल सब्जी, और पता नहीं चटनी या साग है, पता नहीं साग जैसा लग रहा है। तो काजल भी नहीं खाई है, वो गई है पानी लाने दोस्तों, तो दोनों मिल के साथ में यहीं पर बैठ के खाएंगे। एंड आई होप आप सब भी खाना वाना खा लिए होंगे, अगर नहीं खाए तो प्लीज़ कम ज्वाइन अस। ये देखिए कैसे कर रहा है, मुंह से थूक निकालना सीख गया, ऐसे ऐसे करता है दोस्तों, कैसे करता है दोस्तों। लाइन कट गया गाइस, इतना गर्मी लग रहा है कि मत पूछिए, दिमाग खराब हो रहा है। लाइट कटा बहुत देर से, एक डेढ़ घंटा से भी ज़्यादा हो गया। तो इसको देखिए इसी तरह से कमीज निकाल दिया, और ये पैंट में भी देखिए सूसु कर दिया है, पूरा गीला है। तो जा रहे इसको भी चेंज कर देते हैं। काजल को बोल रहे हैं कि वो जो ले रखी है ना उसको यहाँ पे नीचे यहाँ पे बिछा दे, और इधर से गाइस हवा आता है हल्का हल्का तो अच्छा रहेगा, बिछा यहीं पे नीचे यहाँ पे बिछा दे, साइड कर। तो ये देखिए गाइस
बड़ी जल्दी पैसा देने को फेंक के यही कर रही ले पकड़ दो उनके पेंट वाला अरे लाइन आगे चलाएं कर पागल है पूरे लोल है ये बताइए तो गाइस ऐसे कौन चिल्लाता है हम भी डर गए बाबू डर गया बेचारा डरा दिया बेटा पाइप लग गया बाबू के लाइन देखिए गाइस दे दिया और इसको चेंज करके यहीं पे सुलाते हैं और गर्मी मुझे भी बहुत लग रही है ये देखिए कीर्ति और ऋषि दोनों आ गए क्लास से मतलब स्कूल से और दोनों घर नहीं गया है दोनों डायरेक्ट मेरे घर पे आ गया इससे मिलने बताइए इतना चलता है इसका दे देखिए जाओ तुम लोग बैग रख के खाना वाना खा के और कपड़ा वपड़ा चेंज करके आना ठीक है हाँ रोने लगा तुरंत गाइस इसको लग गया भूख इसका भूख लग गया और ये बाल्टी दोस्तों अभी लेकर आए थे पानी लेकर के इसमें डालना है कूलर में दोस्तों पानी ख़त्म हो गया है सबसे पहले क्या करते हैं बाबू का दूध बना देते हैं ये देखिए डब्बा है इसको धो करके इसमें दूध डाल देते हैं हालांकि दूध इसको दे दिए गाइस और बाबू दूध पी रहा है अच्छा कर देते हैं और अभी जा रहे हैं गाइस पानी लेकर के ये देखिए पानी भर गया है तो बाल्टी में भर करके और इसको डाल देते हैं कूलर में दोस्तों हम तो बाल्टी से पानी कूलर में भर रहे थे लेकिन देखिए बाल्टी का पानी यहीं पर रखा हुआ है ये दूध पी करके इतना रोने लग गया कि हमको बाल्टी रख करके जा करके दौड़ के इसको गोदी में उठाना पड़ा और इसका मानना है कि दूध पीने के बाद इसको घूमते घूमते सोने की आदत हो गई है शायद इसको नींद आ रहा था जब दूध पी रहा था तो लेकिन दूध पीने के बाद सोया नहीं रोने लग गया तो फिर काजल बोली इसको घुमा दीजिए और घुमाते घुमाते ये सोएगा शायद तो पानी नहीं डाले हैं दोस्तों और इसको घुमाने में लग गए और पता नहीं कब सोएगा ये लड़का और इसकी आदत अब बदल रही है पहले से पहले क्या होता था कि सोता था उठता था एक डेढ़ घंटे बाद फिर सो जाता था लेकिन अब ऐसा एकदम नहीं है ये एकदम लंबे समय तक जगता है ये देखिए दोस्तों सो गए आराम से बेचारा हम भी चलते दोस्तों पानी नहीं डाले थे कूलर में तो वो डाल देते हैं तो गाइस अभी हो गई ये शाम और क्लास से अभी अभी आ रहा हूँ दोस्तों अभी खाना एकदम नहीं है घर में मुझे भूख इतना जोर से लगा है कि हालत ख़राब हो रहा है तो देखिए जैसा ही क्लास से निकला था मतलब क्लास छोड़ा था वहाँ से फ़ोन कर दिया था काजल को कि कुछ बना के रखना मेरे लिए तो ये देखिए छिलका बना के रखी है और चाय बना के रखी है अब दोस्तों मैं इसको खाने वाला हूँ इतना जोर से भूख लगा है कि मतलब हम कह नहीं सकते हैं तो ये तेज फिलहाल तो दोस्तों आए हुए हैं छत पे और खा रहे हैं देखिए नमकीन वगैरह खा रहे हैं क्योंकि दोस्तों दो गो छिलका से पेट नहीं भरा नहीं तीन गो छिलका था तीन गो से पेट नहीं भरा तो और देखिए नमकीन वगैरह निकाल लिए और चाय के साथ और खा रहे हैं और आपको दोस्तों पता ही होगा कि नमकीन वगैरह सब आया कहाँ से तो फिर सास माँ जो भिजवाई थी वो सारा कुछ वहीं निकाल के खा रहे हैं दोस्तों और ये पहली बार आप लोगों को दिखा रहे हैं कि निकाल के खा रहे हैं और ये नहीं समझिएगा कि सारा रख लिए तो खुद ही खाएंगे वो दोस्तों घर में भी मम्मी पापा भाई सबको मतलब कि देते रहते हैं खाने पीने के लिए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही खा रहे हैं और काजल ही खा रही है ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा तो शाम को यह मौसम बहुत मस्त है और छत पर आ रहे हैं हम काजल दोनों घूम रहे हैं नमकीन के साथ चाय और घूमते हुए मज़े ले रहे हैं दोस्तों और ये देखिए दोस्तों अब काजल नीचे लेके बैठ गई है और यहीं पे दोस्तों बिछा करके सुबह सुबह सोते हैं छत पे आ करके क्योंकि बाबू को जब मम्मी के हाथ में सौंप देते हैं तो यहीं पे आके छत पे और सुबह सो जाते हैं कोची बोल रहे नोच लिया मैंने छिल लिया है ओए रे कैसे पागल है बोला है कैसे तो ज़्यादा छिला गले कहा अरे बेचारा हाँ हाँ अब बताइए दोस्तों
क्या किया बबुआ? मतलब वो अपना छुन्नू ना नोच लिया, नाखून लगा दिया होगा और कटवट गया होगा, वही होगा। अभी तो हम दोस्तों देखे भी नहीं, अभी हम कोई बता रही है कि ऐसा ऐसा बात है, तो ज़्यादा ना निकट लें। हाँ तो इन्फेक्शन, उससे इन्फेक्शन से बचा कर रखना थोड़ा साफ साफ, क्योंकि दोस्तों टॉयलेट वगैरह करते रहता है तो उस पर जाएगा तो इन्फेक्शन वगैरह तो होने का डर ही रहेगा, और गर्मी पसीना तो समझते हैं, तो धोते रहना। हम भी जा करके नीचे देखते हैं, अभी सो रहा है ढाबा में, मम्मी के साथ में है, तो जाके देखते हैं, चेक करते हैं। हालांकि आपको दिखा नहीं सकते, वीडियो में तो दिखाएंगे नहीं, बट समझ लीजिए कि छुन्नू जो है उसका कट गया थोड़ा सा। हे भगवान, कैसे बोली थी यार। ये दोनों कीर्ति और बेबी, ये बेबी है और ये कीर्ति है, ऐसा ऐसा कुछ करती है। ये दोनों अभी आए दोस्तों बाबू से मिलने, लेकिन बबुआ बेचारा जी से सो रहा है और ये सब फिर ऊपर आ गई है, बैठ इधर। और देखना खत्म हो गया, का करियो, खाली प्लेटवा बचे थल्ले, खाली प्लेटवा खा ले, खाली खाले प्लेटवा खा ले, महंगा प्लेट है, चाट के वापस दे दीजिए। इन लोगों को भी दोस्तों देते रहते हैं। कीर्ति खाते रहती है कि नहीं मेरे घर पे, ये सब सही सही बताओ। हाँ, बीर से हमको भी दोस्तों देते रहते हैं। बेबिया नहीं खाई है, तुम नहीं खाई है ना, चलो तुमको भी कभी खिला देंगे। बबुआ उठ गया, तो मम्मी लेके आ गए, कहाँ रखनी है चुसनिया बेबी, लेके आओ। और ये देखिए दुगुआ बुतुआ उठ गया। अले जरा छुन्नू दिखाओ, दुगू किधर, देखिए दोस्तों इसको हंसाते, दुगू देखिए दोस्तों, ये दुगवा बुतवा उठ गया गाइस, ये देखिए दुगवा उठ गया और ये अपना छुन्नू छिल लिया नाखून से गाइस, पता नहीं कितना ज्यादा छिला, देखिए इसका आँख, देखिए दोस्तों अभी भी आँख आंसू आते रहता है। क्या होता है इसकी आंखों, जी एक बार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अच्छा दिखा देंगे, वो लगता है ना ठंड में। चलो चलो छुन्नू दिखा, दुगू छुन्नू दिखाओ। दोस्तों हम वीडियो रोक रहे हैं, दोस्तों हम दिखाएंगे नहीं। दोस्तों सच में दोस्तों जो पतला वाला स्किन, जो फर्स्ट लेयर होता है ना स्किन का, वो छिल गया है इसके नाखून से, तो ज़्यादा भी नहीं छिला और बहुत कम भी नहीं छिला, थोड़ा सा छिल गया, और मांस जो होता है ना वो थोड़ा सा ऊपर आ गया है छिल के, तो वैसा हो गया है, तो कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, बस ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, इसको डिटॉल वगैरह से थोड़ा साफ कर देगी तो ठीक हो जाएगा। दुगु बुतू, अरे वीडियो बन रहा है दुगु बुतू, देखो वीडियो में बोलो कुछ, अरे गिरा दिया चुसनी, देखो देखो बोलो बोलो, हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, तो दोस्तों फिलहाल तो ऊपर से आगे, मतलब नीचे छत से नीचे आ गए हैं, और शाम हो गई गाइस, और काजल अपने काम में भी लग गई है, ये देखिए किचन में खाना बनाना शुरू कर दिया, पता नहीं है क्या बना रही है। ये देखिए दोस्तों इधर ये बेसन की सब्जी बनाने जा रही है गाइस, इसको पीस पीस करके काटेगी और बेसन का सब्जी बनाएगी, रोटी और चावल, ये तो दोनों डेली बनता है दोस्तों। तो बस यही आज बनने वाला है डिनर में, तो अब ये वाला वीडियो दोस्तों हम यहीं पर रोकना चाहते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो फिर ये वाला वीडियो दोस्तों यहीं पर रोकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ठीक है, अभी आप यहाँ बाय बाय।